गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट ओपन हो चुका है, तो आज हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं मैं आप सभी के साथ अपडेट कर देता हूं। देखिए ऊपर की साइड कोई एसएल लेके हम नहीं चलेंगे, ना ही निफ्टी में और ना ही बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा सा पोजीशन आज जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, रेडी हो जाते हैं हम, ना स्ट्राइक प्राइस पास में रख लेते हैं। देखिए टारगेट करने के लिए हम किन को टारगेट कर सकते हैं, एक ये क्लोजिंग प्राइस का जो भी यहाँ पे करके गया होगा बाई एंड सेल, सेल जो कर गया वो तो निकल गए होंगे, बाई करके जो गया होगा मे बी वो एसएल अपना दे सकता है या फिर निकल सकता है। पहला इनको टारगेट कर सकते हैं, दूसरा ये छुटपुट जो है इनको टारगेट कर सकते हैं, इनको हम शायद टारगेट ना कर पाए, ठीक है, इतना में ही अपना टारगेट मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर वेट करके मैं पोजिशन बनाता हूँ, फिर आप सभी के साथ अपडेट करता हूँ, ठीक है। ओके देखिए अपना एंट्री बन गया, ठीक है, एंट्री कैंडल में मार्क करता हूँ, एंट्री कैंडल ये रेड है। देखिए ट्रेड थोड़ा सा थोड़ा पेचीदा हो गया, थोड़ा आपको सभी के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने फर्स्ट ट्रेड जो बनाया था इस कैंडल में बनाया था, इसको मैंने एग्जिट किया था, इस कैंडल में एग्जिट किया था, इसमें मैंने 100 पॉइंट का एसएल रखा था तो वो हिट हो गया था। नेक्स्ट जो ट्रेड बनाया है इस पे बनाया, देखिए आप ये मत कहिएगा कि आप मार्केट से बेवजह लड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए लड़ नहीं रहे, पहला एंट्री जो हुआ था वो गलत हुआ, मैं मानता हूँ इसको। सेकंड एंट्री अगर बनाए होते, अगर इसको ना बनाते यहाँ बनाते तो यहाँ पे सेफ रहते हैं हम, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, एंट्री यहाँ पे बनाया। देखिए मेरा ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड ये है, इसको निकलने का, देखिए यहाँ पे थोड़ा क्रॉस करेगा तो हम निकल, इसमें ज़्यादा एसएल नहीं लेके चलेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है देखिए ये है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि मंथ अगर सही गया हो तो भी बनाए, नहीं तो अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा। तो देखिए अभी जितना भी एसएल मैंने लिया था ना वो एसएल क्रॉस हो चुका, अभी थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एसएल गया था अपना तो अभी तो 100 पॉइंट ही आया है, तो देखेंगे हो सके ब्रेक कर दे। अब मेरे लिए क्या है कि अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दूंगा, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दूंगा। आप सभी के साथ शेयर यहाँ पे किया था, इस कैंडल में किया था, अब कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा। अब जैसे ही मार्केट आएगा तो जितना मेरा यहाँ पे एसएल गया उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा अगर रिवर्स करेगा तो। देखिए अगर देखा जाना तो मैं अपना ओवरव्यू सही किया था, सही लगा था तो मैंने थोड़ा जल्दी पोजीशन बनाया, तो खैर अब क्या किया जा सकता है। देखिए चांस तो है कि ब्रेक कर दे, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी लग रहा है कि ब्रेक करे, ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया मेरे से, ये वाला ये थोड़ा जल्दबाजी हो गया, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आगे से ऐसी गलतियाँ हम नहीं करेंगे दोबारा। आप जितना भी वीडियो मैंने देखे होंगे मैं सेकंड हाई को जो ब्रेक करता है तभी बनाता हूँ, फर्स्ट हाई सेकंड हाई ये वाला, ठीक है, इसमें रेड कैंडल मेरे को दिखा तो मैं चाहता तो यहीं पे बना लेता, अगर यहाँ पे बनाता तो मेरा एसएल सेफ रहता, नहीं जाता, लेकिन खैर अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा वेट करेंगे, इनका ब्रेकआउट होने देते हैं, सॉरी ब्रेकडाउन होने देते हैं, अगर होगा तो फिर सही है, नहीं तो फिर यहीं कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकल जाएंगे, जितना इतना जहाँ यहाँ का एसएल गया उतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। देखिए निफ्टी ज़्यादा निगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी का जो चार्ट ऑब्जर्व किया था वो इसी कैंडल में 9:17 पर किया था, यहाँ पे ही मैंने बना लिया था पोजीशन, ठीक है। तो निफ्टी देखिए ज़्यादा कर रहा, जैसे मैंने बोला शुरुआत में कि हम लोग इनको टारगेट कर सकते हैं, एक छुटपुट इनको टारगेट कर सकते हैं, तो अगर सपोज मार्केट अगर इनको टारगेट कर दिया ना तो नो डाउट इनको भी टारगेट कर देगा, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को मिल सकता है, लेकिन यही है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारे लिए सही है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो हमारे लिए सही है, बायर्स को इनवाइट ही कर रहा है, क्योंकि बायर्स को जितना भी यहाँ पे इनवाइट कर रहा है। यहाँ पे मेरा जल्दबाजी में पोजिशन बनाने का यही था कि यहाँ से रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर खूब बहुत सारे बायर्स एक्टिव हो गए होंगे, इसलिए मेरा थोड़ा जल्दबाजी में बनाने का मैंने ठान लिया था कि मैं थोड़ा जल्दी में बना लूँगा पोजिशन, तो खैर कुछ करा नहीं जा सकता, बस ये ब्रेकडाउन हो आराम से अपना निकल जाएंगे। देखा जाए तो प्रॉफिट कुछ चलने लग गया,
लॉस कवर होके प्रॉफिट चलने लग गया, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने अपना वो शेयर किया था ना, या ऑर्डर यहाँ पे देखिए, मैंने जो लिया था वो 52,200 का पुट लिया था, जो लिया था 344 पे, 248 पे मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था। ठीक है, लगभग 100 पॉइंट का मैंने लिया था, 100 पॉइंट का। देखिए मैंने बताया था कि 100 पॉइंट का एसएल कब लेंगे, तो देखिए यहाँ पे मेरे को लेना पड़ गया था, क्योंकि फर्स्ट जब मैंने बनाया था ना यहाँ पे जल्दबाजी में, तो यहाँ पे 100 पॉइंट का लेना मेरे लिए अनिवार्य हो गया था, इसलिए कि फर्स्ट जो हाई को ब्रेक करेगा उसके लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो वो गया ही, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा अपडेट करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए मैंने एग्जिट कर दिया है, एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट पे यहीं पे किया था, जितना लॉस हुआ है उतना ही हुआ है। ठीक, बस इसमें क्या है कि बढ़ जाएगा अपना ब्रोकरेज चार्ज, एसटीटी चार्ज जो है वो सब बढ़ जाएगा, तो नो इशू। यहाँ पे देखिए ठीक ठाक, मतलब अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आने लग गया, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेड ये था। तो अब मार्केट क्या करना चाहता है क्या नहीं करेगा, अब मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए यहाँ पे सही निफ्टी में तो गजब फॉल है यार, बैंक निफ्टी में थोड़ा दिक्कत कर दिया। खैर, क्या किया जा सकता, कुछ नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।